वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि हमारे जयेश भाई जोरदार कल थिएटर्स के अंदर आने वाले हैं, और कल भी हमने बात की थी इनकी एडवांस बुकिंग कलेक्शन पे, और कल कितनी हुई थी, ऑलमोस्ट 15 लाख की कल तक एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुकी थी। तो दोस्तों अभी वीडियो यहाँ पे रोको और गैस करो कि अभी एक दिन गुजर चुका है और अभी इस मूवी की एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितनी हो चुकी है। सारे अपने अपने ना गैस करो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, देखते हैं कि किसका गैस किसका तुक्का लगता है। मैं तो अभी बता नहीं वाला हूं। खैर दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अभी जब मैंने जयेश भाई जोरदार की एडवांस बुकिंग कलेक्शन देखी तो मैं शॉक्ड हो गया यार। इतना बड़ा जंप पकड़ा है इसने कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उन एक्सपेक्टेशंस को फाड़ती हुई जयेश भाई जोरदार आगे निकल गई है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि कल तक इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी 15 लाख, और अभी एक दिन गुजरने के बाद जयेश भाई जोरदार की एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुकी है 1.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख। जी हाँ दोस्तों, मींस के अचानक से लोगों ने एडवांस बुकिंग की है इस मूवी की और मज़ा आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि इस मूवी से लोग ना क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मींस के लोग क्या चाहते हैं। देखिए, और लोगों ने इतनी तेज़ी से एडवांस बुकिंग क्यों की है, बहुत बड़ी रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि जयेश भाई जोरदार में दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। अब देखिए ना दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई भी कॉमेडी मूवी नहीं आ रही। अब मुझे कोई भी बता दे, कोई भी कॉमेडी मूवी थिएटर में नहीं आ रही। नो डाउट जयेश भाई जोरदार का जोनरा कॉमेडी का भी है और बाकी का भी, इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत एक्शन भी होगा, लेकिन मेजोरिटी इसमें ज़्यादा हमें कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो ऑडियंस, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, आप लोग भी बता देना, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जाने वाली है सिर्फ और सिर्फ फनी जॉनरा देखने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम से यार हमने फनी बेस पे कोई मूवी नहीं देखी। जिसको देखो एक्शन पे मूवीज बना रहा है, मास मसाला फिल्में बन रही हैं, लेकिन कॉमेडी जॉनरा को लोग भूल चुके हैं। दैट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा मीन्स के मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि यार इस मूवी की जितनी भी इसके अंदर कॉमेडी सीन्स होंगे यार, वो नेक्स्ट लेवल होंगे। अगर तो नेक्स्ट लेवल निकलते हैं तो रणवीर सिंह की इस मूवी को हिट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और अभी तो दोस्तों कल इस मूवी ने थिएटर में आना है और अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो कुछ घंटों बाद मींस के इसकी एडवांस बुकिंग कहां पे रुकती है मैं नहीं बता सकता। मींस के ऑलमोस्ट जहां तक मुझे लगता है तो 2 करोड़ तक तो चली ही जाएगी। हां, अगर हम डे वन की बात करें तो दोस्तों पर्सनली जहां तक मुझे लगता है और जो अर्ली एस्टिमेट आए हैं उसके अकॉर्डिंग जयेश भाई जोरदार की डे वन की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है वो मैक्सिमम 3 करोड़ होगी। 3 करोड़ से ऊपर नहीं जाने वाली, हद मार दो 4 करोड़। अब क्यों, लोग वेट करेंगे रिव्यू का। अब तो दोस्तों सीन ये बन चुका है कि बॉलीवुड की जो भी मूवीज आती हैं वो पहले रिव्यूज में जाती हैं, अगर उनकी रिव्यूज पॉजिटिव हैं देन ऑडियंस जाती है, देन ऑडियंस जाती है और डे टू में उनकी कलेक्शंस ऊपर। सेम दोस्तों पिछले कुछ मूवीज के साथ यही चल रहा है। तो डे वन में डिपेंड करता है ये मूवी कैसा परफॉर्म करती है, अगर तो अच्छा करती है तो डे टू की कलेक्शन फाड़ती हुई ऊपर निकल जाएंगी। अभी तक यही वीडियो थी, होप से वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन भाई दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज।